कैसे हैं बच्चों मैं राकेश सर आज आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत तमिलनाडु की संस्कृति के बारे में कुछ बताना चाहता हूं बच्चों तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित एक ऐसा राज्य है जहां की राज्य भाषा तमिल है और ये विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है इसकी राजधानी चेन्नई है जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर भी है अगर हम यहाँ के राज्य पक्षी के बारे में पशु के बारे में बात करें तो राज्य पक्षी पन्ना कबूतर है और राज्य पशु नीलगिरी तहर है राज्य फूल के बारे में बात करें तो राज्य फूल करी हरी है और राज्य पेड़ ताड़ का वृक्ष है यहाँ का जो लोक और पारंपरिक गीत है वो नीराराम है और पारंपरिक खेल की बात करें तो साधुगुडू है बच्चों अब मैं आपको तमिलनाडु के खान पान के बारे में बताना चाहता हूँ बच्चों हर राज्य की अपनी पहचान होती है उसके खान पान से उसके रीति रिवाज से उसके पहनावे से उसकी भाषा से तो तमिलनाडु की भी अलग ही विशेषता है अगर मैं खान पान की बात करूँ तो तमिलनाडु का जो प्रमुख और लोकप्रिय भोजन है वो है चावल और सांभर सांभर जिसको वो करीबी बोलते हैं डोसा इडली आपने तो खाया है और आपको पता है ये जो हम डोसा इडली खाते हैं ये तमिलनाडु की ही जो है डिश है जिसमें हम उपमा परोता रसम पोंगल ये ऐसे व्यंजन हैं जो बड़े चाव से बड़ी खुशी से तमिलनाडु में खाए जाते हैं बच्चों अगर हम वहाँ के मीठे व्यंजनों की बात करें तो पायसम और केसरी यहाँ के मीठे व्यंजन हैं हम भी चाय पीते हैं लेकिन ये बड़ी खुशी से फिल्टर काफ़ी पीते हैं जो दक्षिण भारत की खासियत है अगर हम त्योहारों की बात करें तो तमिलनाडु में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें सबसे ख़ास और महत्वपूर्ण जो त्योहार है वह है पोंगल जब भी नई फसल उगती है और उसकी कटाई होती है तो उस कटाई के बाद ये पोंगल उत्सव मनाया जाता है जो वहाँ का बड़ा ही लोकप्रिय उत्सव है कई जगह जल्लीकट्टू कट्टू का त्यौहार भी मनाया जाता है जिसमें सांडों की आपस में लड़ाई करवाई जाती है और ऐसे ही चित्तेरे मदुरे का एक लोकप्रिय त्योहार है बच्चों यहाँ की एक खासियत ये भी है यहाँ का जो नृत्य है वो पूरी दुनिया में मशहूर है सबसे महत्वपूर्ण जो और लोकप्रिय जो नाटक है भरतनाट्यम आपने नाम भी सुना होगा इसके साथ और भी कुछ लोकप्रिय लोक नाच हैं जैसे कुरवंजी करगट्टम कुम्मी ये सारे लोक नृत्य जो हैं तमिल की पहचान हैं उनकी शान है उनकी आन है और अगर हम उनके रीति रिवाजों में उनके पहनावे का वर्णन करें तो बच्चों ये बड़े ही सादे किस्म के लोग होते हैं इनमें जरा भी जो है वो घमंड नहीं होता हालांकि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं अमीर लोग होते हैं बड़ी बड़ी ऊंची-ऊंची पदवी पर बैठे हुए ये लोग होते हैं लेकिन ये पहनावे में बिल्कुल सादे कपड़े पहनते हैं औरतें कांजीवरम नाम की साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती का प्रयोग करते हैं चाहे अमीर से अमीर हो चाहे गरीब से गरीब हो चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो वहाँ के लोग साधे कपड़े ही पहनते हैं दिखावा बिल्कुल भी नहीं करते लोग पढ़े लिखे हैं और ये जात पात से ऊपर उठकर ही ये अपना जीवन जीते हैं यहाँ पर जीने का बहुत ही आनंद आता है जो भी तमिलनाडु में जाता है उनका जीवन बड़ा सरल और सहज हो जाता है और ये लोग शिक्षा में बहुत आगे होते हैं और शिक्षा की तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है इस तरह से ये कुछ खास बातें तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़ी हुई मैंने आपको बताई आगे मौका मिलेगा तो और भी आपको मैं बताऊंगा ठीक है बच्चों अपना ख्याल रहना अपना ध्यान रखना घर पर ही रहना